हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। और हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे मिसलिनियस क्वेश्चंस। तो पहले के 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में एक्ट का नाम दे रखा है और लिस्ट 2 में उसका पर्पस दे रखा है कि कौन सा एक्ट जो पास हुआ है उसका पर्पस क्या है, तो वो हमने करेक्टली मैच करना है। फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था वो था डायआरकी से रिलेटेड, उसका पर्पस क्या था, डायआरकी लेकर आना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई थी। थर्ड है मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स। मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स में इंडिया की पार्टीशन की बात हुई थी और माउंटबेटन प्लान जो था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में पब्लिकेशन है, लिस्ट 2 में पर्सन का नाम है, कौन सी पब्लिकेशन किसकी है। फर्स्ट है वंदे मातरम। वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल की पब्लिकेशन है। कॉमनवील, कॉमनवील न्यूज़पेपर है, ये एनी बेसेंट की पब्लिकेशन है। द प्यूपिल, प्यूपिल लाला लाजपत राय जी का न्यूज़पेपर है। और युगांतर, ये भूपेंद्रनाथ दत्ता का है। नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकटा मद्रास एंड बॉम्बे वॉज फाउंडेड इन द ईयर। यूनिवर्सिटीज कब फाउंड हुई थी, ये 1857 में बाय द चार्ल्स वुड डिस्पैच। नेक्स्ट है हु अमंग अस द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस क्लासिकल बुक अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया बुक का ऑथर कौन है, तो इसका ऑथर है ई एम फॉस्टर। ये बुक जो है ये कब पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी 1924 में। नेक्स्ट है टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ स्वामी राधा कृष्णन। अब ये टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, 5th of September को। नेक्स्ट है द नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन साका एरा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1957 में। और ये जो साका एरा है ये कब से शुरू होता है, ये 22nd of March से, ये जो ईयर है साका एरा का ये 22nd of March से शुरू होता है। नॉर्मल वही 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो लीप ईयर में ये 21st March से शुरू होता है और नॉर्मल ईयर में 22nd March से शुरू होता है। और इसका जो फर्स्ट मंथ है जो 22nd March से शुरू होता है, तो फर्स्ट मंथ का नाम क्या है, फर्स्ट मंथ का नाम है चैत्रा, राइट। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में पर्सन का नाम है, लिस्ट 2 में उसकी बुक का नाम है, तो कौन सी बुक कौन से पर्सन ने लिखी है ये हमने बताना है। फर्स्ट है चौधरी क्लिकजमन। क्लिकजमन ये इसके बुक कौन सी है, इसकी बुक का नाम है पाथवे टू पाकिस्तान। सेकेंड है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। थर्ड है अबुल कलाम आजाद, बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। फोर्थ राजेंद्र प्रसाद, बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड अर्लीस्ट। फर्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट साइन कब हुआ था, 1931 में। सेकेंड है लखनऊ पैक्ट, ये 1916 में साइन हुआ था। और क्रिप्स मिशन प्रपोजल 1942 में आया था और अगस्त ऑफर 1940 में। तो अर्लीस्ट कौन सा है, लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। वंदे मातरम न्यूज़पेपर किसका है, बिपिन चंद्र पाल का। 1905 में ये न्यूज़पेपर जो था ये फाउंड हुआ था और 1906 से इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन आनी शुरू हुई थी। और ये जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर था ये किस लिए था, इंडियंस को प्रिपेयर करने के लिए, किसके लिए, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल उस टाइम पे चल रहा था उसके लिए, इंडियंस को प्रिपेयर करने के लिए ये न्यूज़पेपर शुरू किया गया था जिसका नाम था वंदे मातरम। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ नील दर्पण वॉज। नील दर्पण के ऑथर का नाम है दीनबंधु मित्रा। नील दर्पण जो है ये एक बंगाली प्ले है, 1858-59 के टाइम पे ये प्ले आया था
और ये जो प्ले है ये इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड है. इंडिगो रिवोल्ट जो नील की खेती के अगेंस्ट जो रिवोल्ट शुरू हुआ था उससे रिलेटेड ये प्ले है. नेक्स्ट है, हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट. जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये कब आया था, ये कौन से वाइसराय या गवर्नर जनरल के टाइम पे आया था, ये आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे. लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड क्या था, 1876 से लेकर 1880 तक का इसका टाइम पीरियड था. तो इसी के बीच में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो पास हुआ था. ये एक्ट पास क्यों किया गया था, ये पास किया गया था इंडियन प्रेस की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था. लेकिन बाद में 1882 में आए लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन ने आते ही इस एक्ट को रिपील कर दिया. राइट, नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड. ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड जो बुक है ये है जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है. ये बुक इन्होंने पब्लिश करी थी 1934 में. 1930 से लेकर 33 के बीच में जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रिजन में थे तो ब्रिटिश इंडिया की अलग अलग प्रिजन से इन्होंने अपनी बेटी जो इंदिरा गांधी थी उनको बहुत सारे लेटर्स लिखे थे. कितने लेटर्स लिखे थे, टोटल 196 लेटर्स लिखे थे. 196 चिट्ठियां इन्होंने अपनी बेटी को लिखी थी, और ये जो 196 लेटर्स है इन्हीं की कलेक्शन इस बुक में दे रखी है. और ये जो लेटर्स लिखे थे ये किससे रिलेटेड थे, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड थे. राइट, तो इसी के बेसिस पे ये बुक बनी है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड. नेक्स्ट है, टिल डेट हु इज द ओनली इंडियन टू हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. नोबेल प्राइज जो है ये इंटरनेशनल अवार्ड है, तो ये इंडिया में किसको मिला है, इंडिया में ये मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर के फील्ड में. कब मिला था, 1913 में. रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे ये पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और सॉन्ग कंपोजर थे. इसके अलावा जो जनगण मन का फर्स्ट सेंजा है वो भी इन्हीं का ही है. नेक्स्ट है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 के टाइम पे, तो उस टाइम पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लीमेंट एटली थे. और ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे थे, 1945 से लेकर 51 तक. नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सिलेक्टेड इन ICS. ICS में सबसे पहले कौन सेलेक्ट हुए थे, उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर. कब सेलेक्ट हुए थे, 1863 में. नेक्स्ट है, हु हेडेड द कैबिनेट मिशन. कैबिनेट मिशन को हेड कौन कर रहा था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस. कैबिनेट मिशन कब आया था इंडिया में, 1946 में. जो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया से इंडियंस को पावर्स ट्रांसफ़र करी जा रही थी उससे रिलेटेड डिस्कस करने के लिए कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था. नेक्स्ट है, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया. तो पोस्टेज स्टैम्प जो है ये इंट्रोड्यूस करी थी लॉर्ड डलहौजी ने. नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर द कॉमन वील. द कॉमन वील जो न्यूज़पेपर है ये है एनी बेसेंट का. एनी बेसेंट ने 1915 में, ये जो न्यूज़पेपर है ये भी 1915 का ही है, तो 1915 में एनी बेसेंट ने एक कैंपेन लॉन्च करा था जिसका नाम था सेल्फ गवर्नमेंट. तो ये जो कैंपेन इन्होंने लॉन्च करा था, इस कैंपेन के लिए इन्होंने दो न्यूज़पेपर जो थे वो शुरू किए थे. तो एक का नाम था कॉमनवील और दूसरे का नाम था न्यू इंडिया. तो ये जो कैंपेन इन्होंने शुरू करा था उस कैंपेन को ये प्रमोट कर रहे थे इन दोनों न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इसके अलावा पब्लिक मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू. राइट, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज सेंट टू इंडिया इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन मार्च 1947. तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है. सेकेंड है, इन जुलाई 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द एक्ट कंटेनिंग द मेन प्रोविजंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान. दिस इज नोन एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. माउंटबेटन प्लान के जो मेन मेन प्रोविजंस है उन्हीं को इकट्ठा करके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया गया था. तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट्स राइट है. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2.
Next, I consider the following statements. Bengal was separated into two provinces during the term of Lord Minto as the Viceroy of India. लॉर्ड मिंटो इंडिया के वाइसराय नो डाउट 1905 में ही बने थे, लेकिन जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी 1905 में, उस टाइम पे इंडिया के जो वाइसराय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल की पार्टीशन हुई थी। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। सेकेंड है, साइमन कमीशन केम टू इंडिया व्हाइल लॉर्ड इरविन वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट राइट है। जब साइमन कमीशन आया था उस टाइम पे इंडिया के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। थर्ड है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज आल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। तो टू एंड थ्री आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।